दावत रुहान है हमारे घर, तो दावत रुहान है, तो रुहान के लिए, रुहान खुशी के लिए हम लोगों ने बिरयानी वगैरह मंगाई है। सामान ले लिए, अब घर जाकर डेकोरेशन वगैरह करेंगे, तो फिर वो आपके साथ मैं शेयर करूंगी। किस तरह फूलेगा, मतलब किस तरह ये बनेगा, ये मैं आप लोग को आगे चल के दिखाऊंगी। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आप देख रहे हैं हम जो है रुहान का मतलब बेबी वेलकम करेंगे, तो उसके लिए डेकोरेशन करने के लिए सामान लेने आए हैं। तो सबसे पहले जो है बलून लेते हैं यहाँ से, उसका मतलब ब्लू है तो ब्लू लेंगे। अच्छा, मुझे ये नज़र आई जो कि बस अच्छी लग रही है। अब ये है क्या, ये लाइक देखेंगे इस तरह से हो जाएगा। अच्छा है, ले लेते हैं एक ये वाला ब्लू। यहाँ से जो है एक ये ले लेते हैं, इट्स अ बॉय, बॉय है हमारे पास, तो एक ये ले लेते हैं। तो वो भी यहाँ से कुछ और देखते हैं। अल्फाबेट जो है वो लेनी है दूसरे, पर वो उनके पास है नहीं। ये बकर, एक ये डिजाइन है, एक ये है, बता कौन सी अच्छी है। सही है, यहाँ पर ये सब मौजूद है, मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं डेकोरेशन की। तो आप लोग को बाय करनी हो तो आप यहाँ से आके कर सकते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे बर्थडे, निकाह और सब है, लाइक कबूल है, नाम वगैरह। इट्स अ गर्ल ब्राइड टू बी, दो तीन ये ले लेते हैं क्योंकि इससे डेकोरेशन जो है वो अच्छी होगी। तो दो तीन ये ले लेते हैं, लाइक आई थिंक 5 एनफ होंगे, तो ये 5 ले लेते हैं हम। एक ये अच्छा लग रहा है, तो एक ये ले लेते हैं। ये देख सकते हैं हैप्पी बर्थडे वाली कितनी मतलब अच्छी नजर आ रही है, कितनी अच्छी है। तो हम जो है बाय है, तो उसके लिए बाय वाले देखते हैं। यस दिस वन, ये लेते हैं केक में लगाने के लिए। यस फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख लिया यहाँ पर मतलब बहुत ही बर्थडे डेकोरेशन हो गई, ब्राइड टू भी हो गया और बेबी का सामान जो भी है वो सब जो है यहाँ पर मौजूद है। तुम लोगों ने है यहाँ से अपनी कर ली शॉपिंग। ये जो है बड़े मस्त लग रहे हैं, बड़े 5 का सेट है, एक जो है अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए ये नहीं लेते हैं। और ये भी न्यू डिज़ाइन में आए हुए हैं इस बार। अल्फाबेट जो हमको लेना है वो अवेलेबल है ही नहीं, तो फिर वो कहीं दूसरी शॉप से लेते हैं। यहाँ भी देख लेते हैं कि स्टार्ट क्या है लाइक। और ये जो है बॉक्स वगैरह मतलब रेडी करते हैं ना, तो उनको सजाने के लिए सारी चीज़ें मौजूद हैं।
यहाँ पर लाइट्स वगैरह आ गई जो लाइक बर्थडे के लिए ज़्यादातर काम आती है। यस गाइस, तो ये जो मार्केट है ये यहाँ पर लाइट हाउस में मौजूद है, तो आप देख सकते हैं मतलब और भी शॉप्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, मतलब बट जब जिसमें हम गए थे ना वहाँ होलसेल रेट होता है, वहाँ हर चीज़ में जो है 50 रुपीज़ कम होती है, वो शॉप भी काफ़ी बड़ी है। अब यहाँ से जैसे हम लोगों ने परचेस किया वो अल्फ़ाबेट, तो यहाँ पर लाइक पैसे जो थे उसके ज़्यादा थे, और ये शॉप भी खुली होती है, वैसे आज बंद है। बाकी ये देखें आप, ये सारी शॉप से लाइन से जो वहाँ तक जहाँ मेरी फिंगर जा रही है, आज संडे है तो जैसे ये क्लोज है। तो आज का व्लॉग यहाँ पे फिलहाल एंड करते हैं, फिर बाकी जो है घर डेकोरेशन करेंगे तो फिर वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ की जो है मैंने आपसे ए टू जेड मतलब सामान ले लिए, अब घर जाकर डेकोरेशन वगैरह करेंगे तो फिर वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तब तक के लिए लास्ट 20 मिनट्स लेटर। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो जैसा कि आपने मेरे आगे ब्लॉग में देखा, मैंने आपको सारी जो है चीज़ें वगैरह जहाँ से ली थी वो सब दिखा दी, और अब आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं तो ये मैंने फ़िलहाल इतने बलून्स जो है फुला के रख दिए हैं, और बाकी जो है ये सामान है डेकोरेशन का जो कि अभी डेकोरेट करना है। रुहान जो है वो 9 बजे तक आएगा, तो 9 बजे से मतलब पहले लाइक उसको जो है पूरा करना है, सजाना है और सब कुछ, और कोई है नहीं अभी, आराम आएगा फिर हम दोनों करेंगे, बट आराम तो कुछ कर नहीं सकता, लाइक वो मुझे उठा के देगा तो मैं सब सजाऊंगी। तो अभी ये सब चीज़ें हैं, इसको हम जो है जल्दी से बस अब मैं इनको फुलाती हूँ, और बाकी जो है सिस्टर फुला रही है बलून्स को। और ये देखें ये कितना अच्छा है बनाया, ये मैंने किस तरह बनाया ये भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। बहुत ईजी है, इस तरह से मैं पूरा मतलब डेकोरेट करूँगी रूम्स को, तो देखेंगे। तो बस अभी जो है अब टाइम वेस्ट किए जो है हम अपने ब्लॉग की तरफ निकलते हैं, मतलब डेकोरेट करते हैं, तो बाद में मिलते हैं हमें। यस गाइस, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरह मतलब 4 बलून फटाफट बनाएंगे, देखो फटाफट जो है ऐसे करते हैं, इतना ही ना का ठीक है, तो बटन लगा देते हैं और इसका माइक दूसरा बनाते हैं। मेरे पास वैसे रेडी हुए भी पड़े हुए हैं, पर फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखना है कि जो है साइज है वो सेम होना चाहिए, तो इन दोनों को पहले जो है जॉइंट कर लेंगे। ये देखें ये हो गया जॉइंट, अब इस तरह दो और जॉइंट करना है। तो मेरे पास जो है ऑलरेडी बने हुए हैं, मैं वही जॉइंट कर लेती हूँ, लाइक बस एक और बना लेती हूँ, बाकी एक ही है। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो है दोनों जो है इस तरह से हो गए, अब इन दोनों को जो है जॉइंट करना है, तो आपका बन जाएगा फ्लावर। थोड़ा काम जो होता है ना वो यहीं का होता है, लाइक जॉइनिंग करने का, जो कि जो है मुश्किल हो जाती है गठान मारना। हालांकि देखे निकल गया, हालांकि ये जो है फ्लावर्स इस तरह से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बट मुझे फोर करने है तो इसलिए फोर का पेयर बनाना है मुझे। यस गाइस, तो ये देख सकते हैं बन गया ये 4 का पेयर बन गया। अब यहाँ बीच में जो है मैं एक फ्लावर लगाऊँ, लाइक एक बलून लगाऊंगी, तो वो एक अच्छा सा हो जाएगा फ्लावर टाइप। ये मैंने ऑलरेडी फुला के रखा हुआ है, तो इसको मैं जॉइंट करती हूँ। यस, फाइनली
टाइनी, ये देख सकते हैं ये बन गया है फ्लावर। और ये सारे जो है फ्लावर्स, ये पूरे अभी इसको हम डेकोरेट करेंगे। मैंने इस तरह से बहुत सारे बना लिए, तो बस मैं जो है जाती हूँ लाइक डेकोरेट करने के लिए। तो बस चलते हैं फिर आगे का दिखाती हूँ कि लाइक मैंने किस तरह से डेकोरेट किया। 5 minutes later. तो अभी ये फिलहाल यहाँ पर इतने से यहाँ लगाते हैं, और बाकी जो है मैंने फुला के वहाँ रख दिए, वो बाहर डेकोरेट हुए। तो अभी जो है इनको उठा के यहाँ मुझे लगाती हूँ, लाइक मुझे आराम उठा के देगा और मैं यहाँ पर डेकोरेट करती हूँ। तो बस लगाते हैं जल्दी से, इस तरह से यहाँ से अच्छा लुक आ जाएगा लाइक दिस। तो यहाँ पे जल्दी से फटाफट इसको जो है पूरा डेकोरेट कर देते हैं। यस गाइस, तो अभी जो है मैंने इस तरह से देखे, इस तरह से जॉइनिंग कर ली है यहाँ पर। ये जो है डबल टेप की मदद से मैंने यहाँ पर ये जॉइनिंग कर ली है इस तरह से, मतलब मैं पूरा डेकोरेट करूँगी। आप देख सकते हैं कितना लुक, मतलब फ्लावर्स बनाने से अच्छा आ रहा है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस, तो आप देख सकते हैं कमरा जो है फुल रेडी हो गया है और सिंपल सा लुक दिया है। मैंने ज़्यादा हेवी नहीं किया क्योंकि जो हेवी है वो सब बाहर है, तो बाकी की जो है बाहर जाके दिखाती हूँ। फिलहाल ये इतना ही है, यहाँ पर ये सारा डेकोरेट किया है मैंने और मेरे अबू ने, मतलब गुब्बारे बलून फुलाया और लगाया। ये तो कमरा तो टोटली मैंने ही किया, बाकी बाहर अबू और मैंने मिलके किया। तो लाइक मुन्ने की छट्टी हमें होती है, मुन्ने की भी होती है, मुन्ने की भी होती है, तो हमारे पास मुन्ना है तो उसकी छट्टी के सामान सब कुछ है, वो भी मैंने बाहर डेकोरेट कर लिए, वो सब आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो अभी अब हम चलते हैं बाहर। यस फ्रेंड, देख सकते हैं मेरे डेकोरेशन, मुन्ने का जो नाम है वो है रूहान और बेबी बॉय है, वेलकम बेबी है। तो ये जो है मैंने डेकोरेशन की है, ये मुझे बड़ी जो है ये बड़ी पसंद आई मुझे ये, और वो वहाँ पे जो मुन्ना लटक रहा है वो अच्छा। ये साड़े जो है अबू ने लगाए क्योंकि मैं जो थक गई थी भाई, और सी पीछे सामान पड़े हुए जा नहीं सकती। तो देखा आप लोगों ने ये सारे डेकोरेशन की हमने यहाँ की, और हमने कुछ बाहर भी मतलब बाहर गेट पर भी लगाए हैं, वो थोड़े बहुत लगा लिए। अभी जो है छठी का सामान है वो मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ, वो दिखाती हूँ। सी ये है छठी के सामान जो कि नानी की तरफ से आए हुए हैं और हमने भी दिए हुए हैं, जो सब एक साथ रूहान के। और माशाल्लाह से अल्लाह इसे मुबारक करे और इसके लिए दुआ करे कि जल्दी से मतलब बड़ा हो जाए और हमारे साथ खेले, मेरे साथ ब्लॉग बनाए। ये रिंग, छोटा सा बच्चा है मतलब, तो इसके लिए मेरी मम्मा ने जो है धागे बांध दिए ताकि इसकी अभी आएगा तो इसके फिंगर में डालेंगे, ताकि इसकी फिंगर में आ जाए क्योंकि बच्चों की तो फिंगर बहुत छोटी होती है ना। और ये सब मेरी मम्मी ने, ठीक है गाइस, ये था डेकोरेशन जो कि बहुत टाइम लगा, लाइक हमें बहुत टाइम लगा सजाने में, मेरी टांग भी पकड़ा गई ये सब कुछ करने में। बट होता है घर में जब कोई फंक्शन होता है या कुछ होता है तो ये सब तो होता ही रहता है। तो बस ये था, और बाकी का मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। A few moments later.
later. तो अभी जो है बिरयानी हम लोगों ने मंगवाई है वो खाते हैं. दावत रूहान है हमारे घर, तो दावत रूहान है, तो रूहान के लिए, ईदगाह की खुशी के लिए हम लोगों ने बिरयानी वगैरह मंगाई है जो कि बहुत मज़े की है दिखने में, जो कि आप लोग देखें. गाइस बिरयानी देखें कितनी लशपश है, और मतलब उसकी डेकोरेशन वगैरह कितनी ज़बरदस्त. लाइक मटका बिरयानी है और ये डील है, हम लोगों ने मंगवाई है डील. तो जो है इसकी स्मेल वाओ, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि बस क्या ही बताएं. तो अभी जल्दी से ये खाएंगे. यस गाइस, तो आज का व्लॉग था टोटल रूहान के ऊपर. लाइक उसका जो है वेलकम था 40 दिन के बाद, जो है फाइनली वो हमारे घर आ गया. 40 दिन हम में रिवाज होता है लाइक के नानी के घर में होते हैं, फर्स्ट बेबी जो मिलता है ना तो वो फर्स्ट नानी के घर में होता है. तो वो अपने नानी घर से अभी जो है हमारे घर आ गया, और इसकी मतलब वेलकम हम लोगों ने किस तरह की वो मैंने सब आप लोगों के साथ शेयर की. मैंने सोचा फर्स्ट टाइम मैं अपनी फैमिली मतलब फैमिली का ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँ, तो आई होप आप लोगों को पसंद भी आया होगा. और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, नीचे जो है प्रेस कर दें बेल आइकन ताकि आप लोग के पास मेरी हर वीडियो आती रहे. और जो है अब हम मिलेंगे अपने बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में. जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया.